अस्सलाम वालेकुम आज पेरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के आउटलाइन को हम स्टडी कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, अयूब खान, याया, जियाउल हक एंड परवेज मुशर्रफ रजीम्स एंड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। सो मिलिट्री हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। सेवरल मिलिट्री लीडर्स हैव सीज्ड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाइंग देयर रोल एज अ वे टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स। पाकिस्तान की सियासत में जो फौज का किरदार है वो 1947 में आज़ादी के बाद से ही वाज़े रहा है। कई फौजी हुक्मरानों ने हुकूमत पर कब्जा किया, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन पेश की कि वो इस्तेहकाम और रिफॉर्म्स के लिए आए हैं। सो पाकिस्तान की तारीख में अहम फौजी हुकूमतें आईं, सिविलियन फौजी ताल्लुकात भी मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ रहे। सो अयूब खान का जो दौर हुकूमत था इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने 1958 में अयूब खान की फौजी बगावत को जन्म दिया। अयूब खान के मुतारफ करदा जो 1962 का आइन था उसने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में क्या तब्दीलियां की, अयूब खान के बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के बुनियादी मकासद क्या थे, जिन अयूब खान की इकतसादी पॉलिसियों ने 1960 की दहाई में पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर क्या असरात डाले, फिर 1969 में अयूब खान के जवाल की अहम वजूहत क्या थी। सो अयूब खान रजीम्स 1958-1969। फील्ड मार्शल अयूब खान वाज़ द फर्स्ट मिलिट्री लीडर टू टेक कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान इन 1958। हिज रजीम मार्क द बिगनिंग ऑफ द डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। सो जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान ने पहले फौजी हुक्मरान थे जो जिन्होंने 1958 में पाकिस्तान की हुकूमत संभाली और उनका दौर हुकूमत फौज की सियासत में बरह रास्त मदाखलत का एक आगाज़ था। तो अगर हम उनका पस मंज़र देखें तो अयूब खान को 1951 में पाक फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया था और 1958 तक सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन और सिविलियन हुकूमतों के नाकामी के बाद फौज ने मदाखलत की। सो सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के साथ मिलकर अक्टूबर 1958 में मार्शल ला नाफिज किया और इसमें उन्होंने कुछ अरसे के बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को यानी माजूल कर दिया और सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया। सो इसमें की अब जो पॉलिसीज की गई, इसमें अहम रिफॉर्म्स की गई। सो 1962 का जो आइन था इसमें अयूब खान ने एक नया आइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसने पार्लिमानी जमहूरियत की जगह सदारती निज़ाम को दी थी और जमहूर इसमें जो वज़ीर आज़म थे वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था और सदर के इख्तियारात में इजाफा हो गया। सो बेसिक डेमोक्रेसीज जो बुनियादी जमहूरियत थी इसमें मकामी हुकूमत का जो निज़ाम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और जिसके तहत मकामी जो नुमाइंदे थे वो मुंतखब किए गए थे, लेकिन ये निज़ाम जो था अयूब खान की हुकूमत के की जायज़ करार देने का उसको एक ज़रिया समझा गया। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाई गई, इसी दौर में इक्तसादी असलाहत की गई अयूब खान की तरफ से। अयूब खान के दौर हुकूमत में सनती तरक्की हुई और इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर बेहतरी आई, बुनियादी ढांचे की तामीर हुई, ज़राई असलाहत हुई। 1960 की दहाई में खासतौर पर मगरबी पाकिस्तान में मुआशी जो तरक्की थी वो काफ़ी तेज़ रही। और फॉरन पॉलिसी का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो जो खारजा पॉलिसी थी इस दौर में उन्होंने अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात कायम रखे थे। सर्द जंग के दौरान एक अहम इतिहाद भी बने तो जिसकी वजह से फौजी और इक्तसादी इमदाद भी पाकिस्तान को हासिल होती रही, तो उन्होंने चीन के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ऊपर तवज्जो दी। इक्तसादी जो कामयाबियां थी नाकामी रही, इकोनॉमिक सक्सेस एंड फेलियर्स ने अयूब खान के दौर में, तो अयूब खान को पाकिस्तान में पहली मरतबा इक्तसादी तरक्की का दौर शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है। सो जिसे 1960 की दहाई में तरक्की की दहाई के नाम से भी जाना जाता है। सो ही मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज, इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट एंड अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाउएवर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ डिसप्रोपोर्शनलिटी बेनिफिटेड वेस्ट पाकिस्तान मेनली पंजाब एंड कराची, फ्यूलिंग ग्रीवेंसेस इन पाकिस्तान, द परसेप्शन ऑफ इनइक्वालिटी एक्सर्बेटेड पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द टू रीजन्स। तो उन्होंने संतों को भी जदीद बनाया, ज़राई पैदावार में भी इजाफा किया अपने दौरे हुकूमत में, गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग दिया
तो ये इक्तिसादी जो तरक्की थी वो ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान, खासतौर पर जो पंजाब और कराची है, इसको इसने फायदा पहुंचाया और जिससे मशरकी पाकिस्तान में काफी शिकायत पैदा हुई मगरबी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा फायदा उठाने की वजह से। ये जो सोच थी ये सियासी तनाव को बढ़ा रही थी, जिसके नतीजे में दोनों खितों के दरमियान अदम मसावात की शिकायत में मजीद इजाफा हो गया। और फॉरेन पॉलिसी और दिल्ली में अगर हम देखें खारजा पॉलिसी के मसाइल थे उनके दौरे हुकूमत में, अयूब खान का जो अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात थे उसने फौजी तामन को भी और इक्तसादी इमदाद को भी मजबूत किया, लेकिन पाकिस्तान को साथ जंग के सुपर पावर्स के दरमियान एक नाजुक पोजीशन में डाल दिया था। सो जो इसमें उनका जो सेटो और सेंटो जैसे फौजी माहदे थे के इन मंसूबों के जरिए अमेरिका के साथ इतिहाद बनाना मुल्क की सियासतदानों और जो मुल्क के यानी के सियासतदान थे और दानिशवार थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, तो उनके उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। सो एडिशनली अयूब खान डिसीजन टू साइन ताशकंद एग्रीमेंट विद इंडिया आफ्टर द 1965 वाज सीन एज अ फेलियर बाय मेनी इंक्लूडिंग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हु एक्यूज्ड अयूब ऑफ सेलिंग आउट पाकिस्तान गेन्स। सो उसके बाद सादत जंग के जो रेवलरीज थे इसमें पाकिस्तान जो मुआहदा किया गया था, ये पाकिस्तान को यानी कि इसमें घसीट रहा था जो इसके मफादात के मुताबिक नहीं थी। सो 1965 की जंग के बाद भारत के साथ जो ताशकंद मुआहदा था उसके ऊपर दस्तखत करने का फैसला अयूब खान की हुकूमत के लिए बहुत से लोगों जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे उनकी नज़र में एक नाकामी के तौर पर देखा गया था, जिन्होंने अयूब खान के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबियों को बेचने का इल्ज़ाम लगाया। देन डाउनफॉल 1960 की दहाई के तक आखिर तक अयूब खान की मकबूलियत कम होने लगी थी और ख़ासतौर पर जो मशरकी और मगरब पाकिस्तान के दरमियान मुआशी लिहाज से काफ़ी फ़र्क बढ़ रहा था, अफरात ज़र में इजाफा ज़्यादा था और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में बढ़ती हुई सियासी मुखालफत की वजह से जो उनके हुकूमत जवाल का शिकार हो गई और मुल्क भर में मुजाहरे हुए। सियासी बेचैनी ने अयूब खान को 1969 में मुसाफिर होने पर मजबूर कर दिया, उन्होंने इक्तदार फौज के हवाले कर दिया और जनरल याह्या खान ने हुकूमत संभाल ली। फिर याह्या खान रजीम आई 1969 to 1971। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि याह्या खान ने अयूब खान से इक्तदार संभालने के बाद मार्शल ला क्यों नाफिज किया और 1970 का आम इंतखाबात के नतायज क्या थे, उन्होंने बहरान को क्यों जन्म दिया, 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में याह्या खान का किरदार क्या था और मशरकी पाकिस्तान के नुकसान ने याह्या खान के दौर हुकूमत पर क्या असर डाला। सो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान टुक ओवर आफ्टर अयूब खान रेजिग्नेशन, हिज ब्रीफ टेन्योर इज मोस्ट नोटेबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश। जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने अयूब खान के इस्तीफे के बाद इक्तदार संभाला और उनका मुख्तसर दर हुकूमत पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के क्याम के लिए जाना जाता है और उसके बाद मिलिट्री टेक ओवर हुआ और मार्शल लॉ लगा। याह्या खान ने 1969 में मार्शल लॉ नाफिज किया और वादा किया कि वह इंतखाबात कराकर मुल्क को दोबारा सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। तो उनके दौर हुकूमत को खास तौर पर मशरकी पाकिस्तान में सियासी चैलेंजेस का सामना था, तो जहाँ पर खुद मुख्तारी और मुनसफाना सियासी नुमाइंदगी के मुतालबात भी बढ़ रहे थे। फिर 1970 में जनरल इलेक्शंस हुए, 1970 में पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात हुए थे जिनके नतायज एक अहम मोड़ साबित हुए। इसमें जो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी उसने मशरकी पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से जीता और 162 में से उन्होंने 160 नशीस्तें हासिल की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी मगरबी पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने मगरबी पाकिस्तान में गलबा हासिल कर लिया। सो याह्या खान और भुट्टो की तरफ से अवामी लीग को इक्तदार मुंतकिल करने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो एक सियासी और फौजी बहरान इसकी वजह से पैदा हो गया था। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ एथनिसिटी इन द क्राइसिस। इन द 1970 जनरल इलेक्शंस रिवील्ड डीप एथनिक एंड रीजनल क्लेवेजेस इन पाकिस्तान, द अवामी League's overwhelming victory in East Pakistan reflected the people's frustrations with being politically marginalized by the West of the Pakistani elite. So Yahya Khan's inability to manage these tensions coupled with his military-led approach to crush dissent in Pakistan only worsened the situation's ethnic identity more than ideology played a critical role in the 1971 crisis. तो 1970 के
आम इंतखाबात ने पाकिस्तान में गहरे नस्ली भी और इसके अलावा इलाकाई इख्तलाफात को भी बेनकाब कर दिया था। तो अवामी लीग की मशरकी पाकिस्तान में जो भारी अक्सरियत थी उससे इसकी कामयाबी ने अवाम की मगरबी पाकिस्तान के अशराफ इख्तियार को सियासी तौर पर जो महरूम किए जाने की मायूसी को जाहिर कर दिया और याजा खान की इन तनाव को संभालने में जो नाकामी थी और मशरकी पाकिस्तान में इख्तलाफात को कुचलने के लिए उनका जो फौजी तरीका कार था उसने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। सो 1971 के बहरान में नस्ली शनाख्त नजरिए से ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही थी। देन फॉल ऑफ ढाका एंड इट्स लीगेसी, ढाका का सकूत और इसकी मिरास। 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान बंगाली जो कौम परस्त थे उन्होंने कौम परस्तों पर फौज के वाशियाना क्रैक डाउन ने बेन अक्वामी मजम्मत को भी जन्म दिया। यानी जो फौजियों ने यानी अवाम के ऊपर वाशियाना किस्म का क्रैक डाउन किया था तो इंटरनेशनल सतह से उसकी मजम्मत की जाने लगी। इसके अलावा जिनसी ज्यादतियों के भी शिकायत आई, कत्ले आम जैसे मजालम ने पाकिस्तान की जो आलमी साख थी इसको मजीद खराब कर दिया, दागदार कर दिया और भारत को मदाखलत पर मजबूर कर दिया। सो जिसके नतीजे में बांग्लादेश का क्याम अमल में आया और फौज की जो शिकस्त थी उसने मुल्क की सतह पर इसकी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया और मशरकी जो पाकिस्तान था उसका नुकसान पाकिस्तान की तारीख के से बड़े सदमात में से एक है और इस वाक्य ने फौज में एक शनाख्ती बहरान भी पैदा किया। सो जिसकी वजह से उसकी तवज्जो दाखिली सलामती और आने वाले जो सालों में भारतीय खतरे के ऊपर उसकी तवज्जो मरकूज रही। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार, सियासी जो तातल था उसने मशरकी पाकिस्तान के अंदर यानी तशवीश पैदा कर दी थी। इस सियासी तातल ने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन सर्चलाइट में इसको बदल दिया। उसके नतीजे में बड़ी सतह के ऊपर मजालिम हुए, लाखों लोगों की नकल मकानी हुई और इसके अलावा भारत ने दिसंबर 1971 में मदाखलत की जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग भी हुई। तो पाकिस्तान फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और मशरकी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। सो एंड ऑफ द याजा रूल, याजा खान का दौर का खात्मा हुआ। मशरकी पाकिस्तान का जो नुकसान था वो फौज के लिए एक बड़ी नाकामी थी और जिसके नतीजे में याजा खान ने इस्तीफा दे दिया। ही हैंडेड पावर टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड मार्किंग अ ब्रीफ रिटर्न टू सिविलियन रूल, उन्होंने इक्तदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले किया जिससे सिविलियन हुकूमत की मुख्तसर वापसी हुई। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल ज़ियाउल हक रजीम 1977 to 1988। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक staged a military coup in 1971 overthrowing prime minister Zulfiqar Ali Bhutto. His regime was marked by islamizations and deepening military control over politics. Ziaul Haq ka jo daur hukumat tha 1977 to 1988 tak ye raha. So kin halat mein Zulfiqar Ali Bhutto ne Ziaul Haq ne Zulfiqar Ali Bhutto ki hukumat ka khatma kiya aur iske baad questions arise hote hain ki Ziaul Haq ne अपने दौरे हुकूमत में इस्लामाइजेशन की पॉलिसियों को कैसे नाफिज किया, अफगान जंग ज़ियाउल हक की हुकूमत के लिए क्यों अहम थी, सादे जंग के दौरान ज़ियाउल हक की जो खारजा पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान के किरदार को कैसे मुतासिर किया, ज़ियाउल हक के जवाल की वजह क्या थी, असबाब क्या थे और उनके दौरे हुकूमत का कैसे खात्मा हुआ। सो जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में एक फौजी बगावत और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया और उनका दौर हुकूमत इस्लामाइजेशन और फौजी कंट्रोल के फैलाव के लिए मशहूर है। सो मिलिट्री कोप एंड मार्शल लॉ, ज़िया ने जुलाई 1977 में भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया और इंतखाबात में धांधली के इल्जामात और सियासी बदअमनी के बाद तो उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया और इंतखाबात कराने का वादा किया लेकिन सिविलियन हुकूमत की वापसी में ताखीर करते हुए अपनी हुकूमत को उन्होंने मुस्तहकम किया। देन इस्लामाइजेशन पॉलिसीज, तो जो इस्लामाइजेशन की पॉलिसियाँ थी ज़िया के दौर में उन्होंने हुकूमत को इस्लामी कवानीन के नफाज से उनसे मंसूब किया जाता है और इसमें इसके अलावा यानी हदूद ऑर्डिनेंस आया, इसमें चोरी जिना और शराब नोशी जैसे जराम थे उसके ऊपर इस्लामी सजाएं इसमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसके अलावा ज़कात और उशर का निज़ाम आया, ज़कात और उशर के इस्लामी निज़ाम को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस दौर हुकूमत में शरीयत कोर्ट्स बनी, इस्लामी अदालतें कायम की गई ताकि इस्लामी कानून के नफाज की निगरानी की जा सके। देन फॉरेन पॉलिसीज एंड अफगान वार, सो ज़ियाउल हक फॉरेन पॉलिसी वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट इन द यूएस बेग जिहाद अगेंस्ट द सोवियत्स।
जो खाजा पॉलिसी और अफगान जंग थी जियाउल हक की खाजा पॉलिसी के ऊपर 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत हमले का गहरा असर था। पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से सोवियत मुखालिफ जिहाद का एक अहम किरदार बन गया था और अफगान जंग ने पाकिस्तान को अमेरिकी फौजी और माल इमदाद का बड़ा वसूल करना बना दिया, जिससे जिया के दौर की हुकूमत को मजीद तकवीत मिली। सो पाकिस्तान बिकेम हब फॉर अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स, लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस लाइक द स्प्रेड ऑफ रेडिकलिज्म एंड द राइज ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स। सो पाकिस्तान अफगान मुजाहिदीन का मरकज बन गया था, जिसके जो एक तवील मुद्दती नतीजे जैसे इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के ग्रुप जो थे उनके फैलाव यानी सामने आए। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाउनफॉल एंड डेथ। इन 1988 जनरल जियाउल हक डाइड इन अ प्लेन क्रैश अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, सो हिज डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ हिज मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड सिविलियन रोल रिटर्न अंडर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। सो 1988 में जनरल जियाउल हक एक हवाई हादसे का शिकार हो गए थे और हवाई हादसे में उनकी पूरे इसरार तौर पर वो जहां भाग हो गए थे और उनकी मौत के बाद पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत बहाल हुई और बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परवेज मुशरफ रजीम। 1999 में परवेज मुशरफ की बगावत की अहम वजूहत क्या थी? परवेज मुशरफ ने आईनी तरमीम के जरिए अपने कंट्रोल को कैसे मजबूत किया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुशरफ की क्यादत में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा? परवेज मुशरफ को दाखिली तौर पर किन चैलेंजेस का सामना था, खसूसन अदलिया और सियासी मुखालफीन के हवाले से? परवेज मुशरफ के 2008 में इस्तीफा देने की वजूहत क्या थी? सो जनरल परवेज मुशरफ केम टू पावर थ्रू अ ब्लडलेस कूप इन 1999 ओवरथ्रोइंग द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। सो जनरल परवेज मुशरफ 99 में एक बेखून बगावत के जरिए इक्तदार पर उन्होंने कब्जा किया था और वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का उन्होंने खात्मा किया था। तो 1999 की जो बगावत थी, इसमें फौज और नवाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान कारगिल जंग और जनरल मुशरफ की बरतरफी जैसे जो मामला थे उनके ऊपर उनकी कशीदगी बढ़ गई थी और नवाज शरीफ ने मुशरफ के तैयारी को पाकिस्तान में उतरने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो मुशरफ थे उन्होंने अक्टूबर 99 में हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया था। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई, रूल आए, आईनी तरमीम और हुकूमत कायम हुई। तो मुशरफ ने जो अपने यानी जो पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उन्होंने हुकूमत की, लेकिन बाद में फिर वो 2001 में उन्होंने सदर का ओहदा संभाल लिया और उन्होंने आइन में 17वीं तरमीम यानी 17 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई, जिसने उन्हें पार्लियामेंट को तहलील करने समेत वसी इख्तियारात दे दिए थे। सो हिज रूल वाज मार्क्ड बाय मिक्स ऑफ मिलिट्री कंट्रोल एंड अटेम्प्ट्स टू लेजिटिमाइज हिज गवर्नमेंट थ्रू रेफरेंडम्स एंड मैनेज इलेक्शंस। उनके दौर हुकूमत में फौजी कंट्रोल और अवामी रेफरेंडम और इंतखाबात के जरिए अपने इक्तदार को जायज करार देने की कोशिशों का एक इम्तिजाज देखा गया। फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हुई, यानी मुशरफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। 9/11 के बाद उनके हमलों के बाद मुशरफ अमरीका के अहम इतिहादी बन गए और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान में उन्होंने तावन किया अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए। सो हिज गवर्नमेंट कोऑपरेटेड विद द यूएस फोर्सेज इन कम्बैटिंग द तालिबान एंड अलकायदा, बट फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स विद इन पाकिस्तान। सो उनकी हुकूमत ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अमरीकी फोर्सेज के साथ तावन किया, लेकिन मुल्क के अंदर इस्लामी इंतहा पसंदी के हवाले से पॉलिसियों पर तनकीद का सामना किया। फिर डोमेस्टिक चैलेंजेस और डिक्लाइन, दाखिली चैलेंजेस और जवाल आया, उनकी हुकूमत को अंदरूनी मुखालफत का सामना करना पड़ा, खासतौर पर 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तखार चौधरी की बरतरफी के बाद, जिसने मुल्क गिर वकला की तहरीक को भी जन्म दिया था। तो 2007 में उन्होंने बंगाली जो हंगामी जो हालत थी उनका ऐलान किया और आइन को मुअत्तल किया और सियासी मुखालफीन के ऊपर उन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया, विच फर्दर वीकेंड हिज रोल, सो जिससे उनकी हुकूमत मजीद कमजोर हो गई। अंडर प्रेशर मुशरफ रिजाइन अ प्रेजिडेंस इज 2008 एंड पेविंग द वे फॉर रिटर्न टू सिविलियन रोल। तो दबाव के तहत मुशरफ ने 2008 में सदारत से इस्तीफा दे दिया था, जिससे सिविलियन हुकूमत की वापसी की राह हमवार हो गई थी। सो देखते हैं हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिविलियन फौजी ताल्लुकात, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में फौज ने अपना गलबा कैसे बरकरार रखा? क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में फौजी मदाखलत की वजूहत क्या हैं?
पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत को फौज पर कंट्रोल हासिल करने में क्या मुश्किलात पेश आई और पाकिस्तान में बार बार होने वाले फौजी बगावतों ने जमहूरियत की तरक्की के ऊपर क्या असरार डाले। पाकिस्तान हिस्ट्री इज कैरेक्टराइज बाई कम्प्लेक्स एंड ऑफन ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड द मिलिट्री। पाकिस्तान की तारीख में सिविलियन हुकूमतों और फौज के दरमियान तलुकात काफ़ी पेचीदा रहे, अक्सर कशीदा रहे। सो मिलिट्री डोमिनेंस फौज ने दिफा के साथ साथ सियासी और इक्तसादी मामलात में भी हमेशा किरदार अदा किया है। सो सिविलियन हुकूमतों के दौर में भी फौज ने पस मंजर में रहते हुए खासतौर पर खारजा पॉलिसी, दिफा और कौमी सलामती के ऊपर असर डाला। सो फौजी जो मदाखलत थी उसकी वजूहत क्या हैं, रीजंस फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, करप्शन, वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशन हैव ऑफन बीन सिटेड एज रीजंस फॉर मिलिट्री टेक ओवर्स। तो सियासी अदम इस्तेकाम, इक्तसादी बद इंतजामी, करप्शन और कमजोर सिविलियन इदारों की फौजी बगावतों की वजूहत के तौर पर सामने आई। तो जो इसमें यानी फौजी हुक्मरान थे, हर फौजी हुक्मरान ने अपनी मदाखलत का जवाब मुल्क में स्टेबिलिटी और नज्म व ज़ब्त की बहाली के तौर पर पेश किया। हालांकि उन पर जमहूरी अमल को कमजोर करने की तनकीद भी की जाती है। सो सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड द मिलिट्री। पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतों को अक्सर फौज पर कंट्रोल हासिल करने में मुश्किलात का सामना रहा है और जो जिन रहनुमाओं ने फौज के इख्तियारात को चैलेंज किया उन्हें अक्सर मजामत का सामना करना पड़ा। सो सिविलियन जो हुकूमतें थी उनके दौर में अक्सर फौज और मुंतखब जो हुकूमतें थी उनके दरमियान टेंशन रही, कशीदगी देखने को मिली जो कभी कभार बरतरफी या बगावत का की वजह भी बनती रही। देन इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। द रिपीटेड मिलिट्री इंटरवेंशन हैव डिसरप्टेड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक डिवेलपमेंट लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ अथॉरिटेरियन रूल फॉलोड बाई फ्रेगाइल सिविलियन गवर्नमेंट्स। सो मिलिट्री डीप इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स हैज हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फौज की सियासत के ऊपर काफ़ी उनका असर रहा, जमहूरियत के ऊपर काफ़ी असरात रहे, बार बार होने वाले फौजी मदाखलतों ने पाकिस्तान की जमहूरी तरक्की में खलल डाला जिसे अमरान हुकूमतों और कमजोर सिविलियन हुकूमतों का जो साइकिल था वो जारी रहा और फौज की सियासत में गहरी शमूलियत ने मजबूत जमहूरी इदारों, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया की तरक्की में रुकावट डाली है। सो मिलिट्री हैज़ बीन अ सेंट्रल फोर्स इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंटरवीनिंग डायरेक्टली थ्रू कोर्प्स और इनडायरेक्टली शेपिंग पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। फौज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मरकजी कुव्वत रही है जो बगावतों के जरिए या यानी डायरेक्टली तौर पर उन्होंने पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी को मुतासर किया है। हर फौजी हुक्मरान ने स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स का वादा किया लेकिन इनके दौर हुकूमत में अक्सर सियासी जबर रहा, महदूद जमहूरी तरक्की थी, पेचीदा सिविलियन फौजी तालुकात देखेगा। सो सिविलियन जो हुकूमत थी तो सिविलियन हुकूमत के जो अदवार में भी फौज आज तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज होने वाला एक ताकतवर इदारा बनी हुई है। सो हमने स्टडी किया अयूब खान का दौर हुकूमत और उसमें हमने अहम नुकात देखे, फिर जाया खान के अयूब खान से ऐसे इकतदार संभालने के बाद माशाल्लाह जो नाफिज किया गया उसको हमने डिस्कस किया। 1971 टू 1988 जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर हुकूमत रहा, उसके बाद 1999 टू 2008 परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत कायम रही पाकिस्तान के ऊपर। देन हमने डिस्कस किए पाकिस्तान में सिविलियन फौजी तालुकात, कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में फौज ने अपना गलबा कैसे बरकरार रखा हुआ है, पाकिस्तान की सियासत में फौजी मदाखलत की जो वजूहत क्या हैं और पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतों को फौज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान में बार बार होने वाली जो फौजी बगावतें हैं उन्होंने जमहूरियत की तरक्की के ऊपर क्या असरात डाले हैं। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।